गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, पेज नंबर 37 निकालिए बच्चों, पेज नंबर 37 निकालिए। ओके, तो बच्चों आज हम नया पाठ सीख रहे हैं, पाठ नंबर 13, और हमारे पाठ का नाम है मेरा एक दिन। मेरा एक दिन, इस बच्चों पाठ को पढ़ते समय आपको, यानी आपको जब आपका जो रूटीन है उसकी याद आ जाएगी। आज अभी तो स्कूल स्टार्ट नहीं है, फिर भी आप जब स्कूल आते थे तब, अभी तो स्कूल स्टार्ट नहीं है बच्चों, लेकिन पहले जब आप स्कूल आते थे ये पाठ पढ़ते समय आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ मैं भी ऐसे ही करता था, ऐसे ही मेरा भी दिन क्रम, दिन की शुरुआत ऐसे ही होती थी, ऐसे आपको याद आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पाठ का ही नाम है मेरा एक दिन। मेरा एक दिन, सबके दिन होते हैं, तो खुद का जब एक दिन होता है तो वो कैसे होता है, तो इस पाठ के द्वारा ये हमें बताया गया है कि मेरा एक दिन कैसे होता है। ओके, तो बच्चों ये पाठ मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हो। पाठ नंबर 37, मेरा एक दिन। मेरा एक दिन, सुबह 5:30 बजे उठने से मेरा दिन शुरू होता है। पहले हाथ मुंह धोता हूँ और दांत साफ करता हूँ। 15 मिनट तक व्यायाम करता हूँ। चाय पीकर 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल के लिए रवाना होता हूँ। स्कूल में नियमित 9:30 बजे सामूहिक प्रार्थना होती है। इसके बाद मूल्य शिक्षा में अध्यापक एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। मूल्य शिक्षा यानी मूल्यों पर आधारित। सुबह के 4 कालांशों के बाद, कालांशों यानी स्कूल का आधा समय, कालांशों के बाद अवकाश होता है। अवकाश यानी छुट्टी होती है, बीच की छुट्टी होती है ना वो। सभी छात्र गपशप करते हुए अपने अपने डिब्बों में से रोटी सब्जी मिल बांटकर खा लेते हैं। अंतिम कालांश में खेलों की प्रतियोगिताएं होती है। कभी चित्रकला सिखाई जाती है। सप्ताह में एक दिन कार्यानुभव के अंतर्गत कुछ चीज़ें बनवाई जाती है। शाम को घर लौटता हूँ। घर आने पर सबसे पहले मैं अपना बस्ता ठीक स्थान पर रखता हूँ। फिर गणवेश बदलकर हाथ मुंह धोकर थोड़ा नाश्ता करता हूँ। तब तक मेरे दोस्त आ जाते हैं। दोस्तों के साथ 1 घंटा मैदान में खेलता हूँ। घर वापस आकर हाथ पैर धो लेता हूँ। 1 घंटे में गृह कार्य यानी घर पर करने वाला जो अभ्यास होता है, गृह कार्य पूर्ण करता हूँ। उसके बाद घर वालों के साथ बैठकर भोजन करता हूँ। अगले दिन के लिए बस्ता तैयार करके और भगवान को याद करके सोता हूँ। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं, कठिन शब्द, रवाना होना, निकल जाना, टू सेट आउट, मूल्य शिक्षा, मूल्यों पर आधारित शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन, कालांश स्कूल का आधा समय, वन सेशन इन स्कूल, अवकाश होना, छुट्टी होना, टू बी ओवर, गृह कार्य, घर पर करने का काम, होमवर्क, भोजन करना, खाना खाना, टू हैव लंच, डिनर, एक्सेट्रा। ओके, तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पार्ट? जैसे कि आप ही वहाँ हो और आपके बारे में ही ये सारे बोल रहे हैं, ऐसे आपको लग रहा है ना? ओके, तो बच्चों ऐसे ही एक लड़का है और उसे उसका एक दिन है। जैसे कि हर समय में वो क्या क्या करता है वो यहाँ दिया गया है। तो बच्चों सुबह 5:30 बजे वो उठता है। सुबह कितने बजे? 5:30 बजे वो उठता है और उठने से उसका दिन शुरू होता है। सुबह कितने बजे उठता है? 5:30 बजे। 5:30 बजे उठता है और तभी से उसकी दिन की शुरुआत होती है।
उठने के बाद वो क्या करता है, पहले हाथ मुंह धोता है। जैसे आप भी हाथ मुंह धोते हो, पहले वो क्या काम करता है, पहले अपना हाथ मुंह धोता है और दांत साफ करता है। जैसे कि ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, सुबह सुबह हम सब ब्रश करते हैं तो दांत साफ करता है, 15 मिनट तक व्यायाम करता है। जब वो हाथ मुंह धोकर ब्रश करके वो फ्रेश होता है तो 15 मिनट तक व्यायाम करता है। कितने मिनट तक, 15 मिनट तक व्यायाम करता है। चाय पीकर 1 घंटा पढ़ाई करता है। व्यायाम करने के बाद बच्चों, समझ में आ रहा है, नहीं कि वो हाथ मुंह धोकर चाय पीता है, क्या करता है वो, पहले हाथ मुंह धोकर दांत साफ कर 15 मिनट व्यायाम करने के बाद चाय पीता है। चाय पीने के बाद कितने घंटे पढ़ाई करता है, 1 घंटा पढ़ाई करता है। कितने घंटा, 1 घंटा पढ़ाई करता है। उसके बाद नहा धोकर नाश्ता करने के लिए जाता है। उसके बाद नहा धोकर नाश्ता करने के लिए नाश्ता करता है और फिर स्कूल के लिए वो निकल पड़ता है। तो ऐसे ही हम भी करते हैं ना बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, दांत साफ करते हैं, 15 मिनट तक ये लड़का व्यायाम करता है, 1 घंटा पढ़ाई उसके चाय पीकर 1 घंटा पढ़ाई करता है और उसके बाद नहा धोकर नाश्ता करता है और फिर स्कूल के लिए वो निकल पड़ता है। स्कूल जाने के बाद क्या होता है, स्कूल में जाता है और स्कूल में नियमित 9:30 बजे सामूहिक प्रार्थना होती है। जैसे हमारे सुबह स्कूल जाने के बाद जो प्रार्थना होती है सब स्कूल में होती है, तो 9:30 बजे वो सामूहिक प्रार्थना होती है। कितने बजे, 9:30 बजे सामूहिक प्रार्थना होती है। उसके बाद क्या होता है, मूल्य शिक्षा के अध्यापक एक छोटी कहानी यानी तुम्हें एक थॉट देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे मूल्यों पर आधारित कोई एक छोटी सी कहानी होती है, वो एक अध्यापक उन्हें सुनाते हैं। कब सुनाते हैं, सामूहिक प्रार्थना होने के बाद। मूल्य शिक्षा में अध्यापक क्या करते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। उसके बाद सुबह के 4 कालांशों के बाद अवकाश होता है। अवकाश यानी छुट्टी, जैसे कि 4 पीरियड होने के बाद लंच ब्रेक होता है तो छुट्टी होती है। अवकाश होना यानी छुट्टी होना, अवकाश होता है और सभी बच्चे क्या करते हैं, अपना अपना टिफ़िन यानी डिब्बा लेते हैं और गपशप करते हुए अपनी अपनी रोटी सब्जी मिल बाँट कर खा लेते हैं। जैसे कि हम भी हमारे स्कूल में ऐसे ही करते हैं, है ना बच्चों। जब 4 पीरियड होते हैं और डिब्बा खाने का समय होता है, लंच ब्रेक होता है, तो हम सब अपने अपने डिब्बे लेकर क्या करते हैं, गपशप करते हुए अपने डिब्बों में से रोटी सब्जी हमें मिल बाँट कर खा लेते हैं। उसके बाद अंतिम कालांश में खेलों की प्रतियोगिताएं होती है, यानी लंच ब्रेक के बाद क्या होता है कि खेलों की प्रतियोगिता होती है। लास्ट के एक दो पीरियड होते हैं ना, वहाँ उस टाइम पर खेलों की प्रतियोगिता होती है, चित्रकला सिखाई जाती है और सप्ताह में एक दिन कार्यानुभव के अंतर्गत कुछ चीज़ें बनवाई जाती है। जैसे देखो कि यहाँ चित्रकला का तास होता है, यहाँ पेपर से बने हुए कुछ चीज़ें बनाई जाती है। ऐसे सप्ताह के एक दिन में ये कार्यानुभव का तास होता है। तो ये स्कूल का सारा समय यहाँ होने के बाद शाम को घर लौटता है। ये जो लड़का है वो शाम को घर लौटता है और घर में आने के बाद वह अपना बस्ता जो है, यानी ये जो स्कूल बैग है
वो अपना बस्ता ठीक स्थान पर घर में रखता है गणवेश बदल कर। गणवेश यानी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बदलता है, हाथ मुंह धोकर थोड़ा नाश्ता करता है और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए मैदान में जाता है। ओके, एक घंटा वो मैदान में खेलता है दोस्तों के साथ, एक घंटा मैदान में खेलता है, फिर घर वापस आकर हाथ पैर धो लेता है, फिर वापस आकर हाथ पैर धोता है और घर आने के बाद वो एक घंटे में गृह कार्य पूर्ण करता है। गृह कार्य यानी घर में देने वाला होमवर्क, अभ्यास, घर पर दे करने वाला अभ्यास। गृह कार्य यानी घर पर देने करने का अभ्यास यानी होमवर्क। वो मैदान में एक घंटा खेलने के बाद घर वापस आता है, फिर हाथ पैर धोता है और अपना एक घंटे में अपना होमवर्क पूरा करता है। उसके बाद घर वालों के साथ बैठकर भोजन करता है, भोजन करना यानी खाना खाना, उसके घर वालों के साथ मिलजुल कर साथ में बैठकर वो भोजन करता है। अगले दिन के लिए वो क्या करता है, फिर अपना बस्ता तैयार करके, और बस्ता यानी उसका जो स्कूल बैग है वो क्या करता है, फिर उसे तैयार करता है अगले दिन के लिए और भगवान को याद करके सो जाता है, भगवान को याद कर सो जाता है। ओके बच्चों, तो जैसे हमारा दिन क्रम होता है सुबह सुबह, जैसे दिन क्रम होता है सुबह हम जब जल्दी उठते हैं तो हमारे दिन की शुरुआत होती है, उसके बाद मुंह हाथ धोता, ये जो लड़का है वो मुंह हाथ धोता है, दांत साफ करता है, 15 मिनट तक व्यायाम करता है, चाय पीकर 1 घंटा पढ़ाई करता है, फिर नहा धोकर नाश्ता करने के बाद वो स्कूल पर जाता है। स्कूल में जाने के बाद क्या होता है, 9:30 बजे उसकी प्राथमिक सामूहिक प्रार्थना होती है, उसके बाद अध्यापक मूल्य शिक्षा के आधारित एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। सुबह के 4 कालांशों के बाद यानी स्कूल का आधा समय बीत जाने के बाद छुट्टी होती है, लंच ब्रेक होता है, सभी बच्चे गपशप करते हुए अपनी रोटी सब्जी मिल बांट कर खाते हैं, फिर अंतिम कालांश में स्कूल छूटने के 1-2 घंटे पहले प्रतियोगिता होती है, खेलों की प्रतियोगिता होती है, चित्रकला का भी तास होता है और सप्ताह के एक दिन में कार्यानुभव का तास होता है, वहाँ कुछ नए नए चीज़ें कागज़ से चीज़ें बनाने पड़ती है, और शाम को घर वो लौटता है और सबसे पहले अपना बस्ता ठीक स्थान पर रखता है, फिर अपना गणवेश यानी यूनिफॉर्म बदल कर मुँह हाथ धोकर थोड़ा सा नाश्ता करता है और अपने बच्चों के अपने दोस्तों के साथ मैदान में 1 घंटा खेलता है और खेलने के बाद फिर घर पर वापस आता है, हाथ पैर धोता है और 1 घंटे में गृह कार्य यानी होमवर्क करता है, उसके बाद वो घर वालों के साथ बैठकर खाना खाता है और फिर अगले दिन के लिए अपना स्कूल बैग हो वो तैयार करता है और भगवान को याद कर सोता है। तो ये यहाँ हमारा एक जो पाठ है, मेरा एक दिन, ये पाठ यहाँ ख़त्म हुआ है। समझ गए बच्चों? ओके, तो बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है, क्या करना है, प्रश्न और उत्तर लिखने हैं। वेरी गुड, तो जैसे मैंने यहाँ प्रश्न और उत्तर लिखकर लाई हूँ वैसे ही आपको अपने नोटबुक में ये प्रश्न और उत्तर लिखने हैं। ओके, हमारे पाठ का नाम क्या है, मेरा एक दिन, मेरा एक दिन। ओके, तो प्रश्न पहला क्या है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, पाठ में प्रतिपादित लड़का सुबह कितने बजे उठता है। पाठ में जो हमारा लड़का है वो सुबह कितने बजे उठता है। पाठ में प्रतिपादित लड़का सुबह 5:30 बजे उठता है, कितने बजे, 5:30 बजे उठता है। 2 नंबर, वह सुबह कितना वक्त पढ़ाई में बिताता है, वह सुबह
कितना वक्त पढ़ाई में बिताता है? उत्तर, वह सुबह चाय पीकर एक घंटा पढ़ाई में बिताता है। वह सुबह चाय पीकर एक घंटा पढ़ाई में बिताता है। 3 नंबर प्रश्न, तीसरा, वह शाम को खेलने में कितना वक्त बिताता है? वह शाम को खेलने में कितना वक्त बिताता है? वह शाम को खेलने में एक घंटा मैदान में वक्त बिताता है। खेलने में कितना वक्त बिताता है? खेलने में एक घंटा मैदान में वक्त बिताता है। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों या मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य है शुरू होना यानी शुरुआत करना। सुबह 5:30 बजे उठने से मेरा दिन शुरू होता है। शुरू होना, शुरुआत करना। सुबह 5:30 बजे उठने से मेरा दिन शुरू होता है। उठने से मेरा दिन शुरू होता है। 2 नंबर, रवाना होना यानी निकल जाना। राजू सुबह नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल के लिए रवाना होता है। देखिए, इसका वाक्य में प्रयोग मैंने कैसे किया है? रवाना होना यानी निकल जाना, निकल पड़ना। राजू सुबह नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल के लिए रवाना होता है। 3 नंबर, अवकाश होना यानी छुट्टी होना। सुबह के चार कालांशों के बाद अवकाश होता है। 5 नंबर, प्रतियोगिता यानी स्पर्धा। अंतिम कालांश में खेलों की प्रतियोगिताएं होती है। अंतिम कालांश में खेलों की प्रतियोगिताएं होती है। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट, घर लौटना वापस आना। शाम को मोहन घर लौटता है। 6 नंबर, तैयार करना किसी काम में कुशल होना। अगले दिन रामू स्कूल जाने के लिए बस्ता तैयार करता है। अगले दिन रामू स्कूल जाने के लिए बस्ता तैयार करता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 3, समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे पहला पेड़ समानार्थी या पर्यायवाची? समानार्थी शब्द। जैसे कि पहला है पेड़, तरु या वृक्ष। 2 नंबर, साफ, शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र। साफ का मतलब क्या है? शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र। 3 नंबर, मूल्य यानी अनुमान या मूल्यांकन। मूल्य का समानार्थी शब्द अनुमान या मूल्यांकन। 4 नंबर, प्रार्थना निवेदन या विनती। 5 नंबर, गपशप का समानार्थी शब्द गप्पे मारना, गप लड़ान। ओके, तो ये हो गया हमारा समानार्थी शब्दों का अर्थ। अब हम देखेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4, विलोम शब्द लिखिए। ऊपर नीचे, जब विलोम शब्द आते हैं तो यहाँ ऐसे लिखना चाहिए।
ऊपर नीचे, दो नंबर अंदर बाहर, अंदर बाहर, आगे पीछे, आगे पीछे, सफ़ेद काला, सफ़ेद काला, मीठा कड़वा, मीठा कड़वा। तो बच्चों ये यहाँ हमने सारे प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखे हैं, ऐसे ही उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आपको ये पाठ समझ में आया बच्चों? हमारे पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम क्या है? मेरा एक दिन, मेरा एक दिन। ये पाठ आपको क्या करना है, दो बार घर में पढ़ना है और आपको प्रश्न और उत्तर नोटबुक में लिखना ज़रूरी है। ओके बच्चों, ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।